वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम है हसल और आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। मैं एक मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर हूं और एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोफाई बीट्स के ड्रम्स कैसे बनाते हैं। ये हमारी बीट है और सुन के देखते पहले। वेरी नाइस। तो ये हमारी मेलोडी है, सिर्फ काफी अच्छी वाइब है इसकी। और ये हमारे ड्रम्स है जो कि हम सीखने वाले हैं। वेरी नाइस। अभी तो मैंने इसमें पहले से ही बना रखा है ताकि आपको मैं सुना सकूं कि आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। मैं इसको पहले म्यूट कर दूंगा सारा, तो मैंने म्यूट कर दिया ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने यही सुना दिया आपको। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा लोफाई ड्रम्स बीट्स के बारे में कि लोफाई बीट्स ड्रम्स दो चीज़ें मेन मुझे लगती हैं जो होती हैं। पहली चीज़ होगी साउंड सिलेक्शन और दूसरी चीज़ होगी उसका ग्रूव। तो ये मेरे साउंड्स हैं जो मैंने अलग से बना रखे हैं। पहले सुनते हैं किक हमारी। उसको लेयर करने के लिए एक रिम शॉट, एक परकशन साउंड हाई हैट का काम करने के लिए और एक ओपन हाई हैट। वेरी नाइस। और ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा जो मैंने पियानो लगा रखा है। अगला पार्ट मैं करता हूँ, सबसे पहले स्नेयर से स्टार्ट करता हूँ मैं हमेशा, अपना जो सिंपल साम रहते हैं। ये पैटर्न पहले यहाँ ड्रॉ कर लें। नाइस। अगला मैं शुरू करता हूँ अपने हाई हैट्स या प्रिकॉशन जो भी हमने ले रखे होते हैं उनको मैं फिल बाय 4 एंड देन पियानो रोल के जाने के बाद थोड़ा सा नीचे वॉल्यूम कम इनकी, डुप्लीकेट दैट एंड इंक्रीज द वॉल्यूम। सुन के देखते हैं एक बार। वेरी नाइस। एक हमें बेस मिलने लग गया धीरे धीरे। यहाँ पे ओपन हाई हैट, जो भी फील हो रहा बस उसको भरते रहो। और अच्छा लगने लग गया। अगली चीज़ मैं जो लास्ट में करता हूँ वो मैं करता हूँ केक डालने के लिए। अभी हम सिर्फ एक बेस बना रहे हैं, इसमें ह्यूमनाइज फील डाल लेंगे अभी आगे जाके। केक सिंपल सी केक डाल के देखते हैं। अभी से ही इतना ज़्यादा चेंजेस में आने लग गया, मतलब एक पूरा लोफाई का बीट ही लग रही है, लेकिन इसमें और थोड़ी चीज़ें आ सकते हैं। हाई हैट्स में मुझे थोड़ा लग रहा है कि और चीज़ें करनी चाहिए। यहाँ एक कमी लग रही है। वॉल्यूम्स बहुत मैटर करती हैं जब हम एक, ये जो वॉल्यूम्स हैं जो अप एंड डाउन, ये किसी की कम है किसी की ज़्यादा, ये एक बहुत ज़्यादा ह्यूमनाइज फील देती हैं। अब इस चीज़ का जो मैंने इफेक्ट यहाँ डाला है, ये साथ डाल दिए मैंने, ये सुनो। सबसे ज़्यादा चीज़ अब ये इंटरेस्टिंग आने वाली है कि ये चीज़ का आपको इफेक्ट सुना ज़रा। ये स्विंग हम इसमें ऐड कर देंगे। हाँ नाइस। विदाउट एंड विद, नाइस। सबसे पहले जो मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए थे, एक तो साउंड सिलेक्शन और दूसरा ग्रूव। स्विंग इसमें बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है, जैसे आपने सुनी लिया है। थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, नाइस। अब नहीं है, अभी स्विंग डालने के बाद बाकी चीज़ें भी मुझे ठीक ही लग रही हैं। अब मुझे किक थोड़ी मुझे डल सी लग रही है, थोड़ा और ग्रूव इसमें ऐड करते हैं। स्विंग हमने ऐड कर दिया, अब किक का देखते हैं। वॉल्यूम को हमेशा देखना कि आप थोड़ी वेरिएशंस डाल सको ताकि एक रोबोटिक फील ना आए उसमें। इसे यहाँ पे एक हल्की सी चीज़ करी है मैंने, बहुत अच्छे।
बहुत सही। बहुत सही, बहुत सही। अब इसको सुनते हैं मेलोडी के साथ। वेरी नाइस, बहुत सही साउंड कर रही है। और इसी तरह मैं लोफाई ड्रम्स बनाता हूँ मोस्टली, जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। जरूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। नहीं। अब बात इस वाली चीज की जो मैंने यहाँ पियानो डाला है, इससे हम आज एक मेलोडी बनाने की कोशिश करेंगे इसी बीट पर। लेट्स मेक अ मेलोडी ऑन दिस। नाइस नाइस नाइस। ट्राई करते हैं हम इसका बनाने का। पहले तो इसका रूट नोट देखें कौन सा है। मेरे ख्याल से तो एफ शार्प ही है। हमिंग करके देखेंगे सबसे पहले। नोट ढूंढते हैं कौन सा है। हाँ एफ शार्प ही है। इसको हम अपना बेस मान के आगे की मेलोडी बनाने की कोशिश करते हैं। रिकॉर्ड करके देखते हैं, थोड़ा फील तो आ ही रहा है। सेलेक्ट कर लेते हैं सिर्फ नोट्स, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगा, जिससे कि मेलोडी रिकॉर्ड करके देखते हैं एक बार। नाइस। अब करके देखते हैं, इसको सुन के देखते हैं एक बार। थोड़ा सा ज्यादा आगे हो गया। वेरी नाइस ब्रो। और इसी तरह मैं मोस्टली अपनी बीट्स बनाता हूँ। ये मेलेडी वाला पार्ट जो है, ये मैं अगली वीडियो में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊँगा आपको। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मेलेडी कैसे बनाई जाती है, मोस्टली जो मैं बनाता हूँ अपनी। काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी आगे वीडियोज़ में। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि ऐसे ड्रम्स कैसे बनाते हैं। दूसरी चीज़ देखी कि मेलेडी ऐड कैसे करते हैं। वेरी नाइस। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना कि आपको क्या क्या पार्ट इसमें सही लगा और क्या इसमें ऐड कर सकते हैं और किस टॉपिक्स पे वीडियो लेके आऊं। और खुश रहो, मौज में रहो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।